नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 19 अगस्त के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहां पे रहेंगे। तो HPU BA BSc BCom फाइनल ईयर के कुछ एक जो री इवेल्यूशन के रिजल्ट हैं वो जारी हो गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ HPU PG के जो रेगुलर ईकेड्यूल प्राइवेट के रिजल्ट हैं वो इस बार जल्दी आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही सिद्धार्थ पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो UG फर्स्ट और सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे HPU UG फाइनल ईयर के जो BA BSc BCom के री इवेल्यूशन के रिजल्ट हैं उनकी बात करूँ, तो यहाँ पे BSc और BCom के कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके री इवेल्यूशन के रिजल्ट जो हैं वो आ गए हैं। तो जो भी BA BSc BCom के स्टूडेंट हैं जिन्होंने री इवेल्यूशन भरी है वो अपनी ID और पासवर्ड के थ्रू चेक कर लें कि क्या उनके रिजल्ट आ गए हैं या नहीं। मैं अभी आप लोगों को एक बात बता देना चाहूँ कि जो री इवेल्यूशन का रिजल्ट है वो किसी स्पेसिफिक डेट को नहीं आता है। किसी का भी री इवेल्यूशन का रिजल्ट जो है वो कभी भी आ जाता है। तो अभी जो रिजल्ट आए हुए हैं उनमें जो है वो कम स्टूडेंट्स ने री इवेल्यूशन फिल करी होगी, तो उनके रिजल्ट जो है वो जल्दी आ गए। तो ऐसा होता है कि कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कम छात्रों ने री इवेल्यूशन फिल करी होती है तो उनका रिजल्ट पहले आ जाता है। कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा बच्चों ने री इवेल्यूशन फिल करी होती है तो उनके रिजल्ट को आने में टाइम लगता है। तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहूँ कि री इवेल्यूशन का रिजल्ट किसी एक स्पेसिफिक डेट को नहीं आता है। कुछ एक स्टूडेंट जो थे उन्होंने मुझे अपना रिजल्ट दिखाया था और बताया था कि उनके री इवेल्यूशन के रिजल्ट आ गए हैं। बाकी आप लोग भी यहाँ पे देख लें, अगर BA वाले किसी का रिजल्ट आया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी BCom और BSc के कुछ एक छात्रों ने मुझे रिजल्ट दिखाए थे और उनके रिजल्ट जो है वो यहाँ पे री इवेल्यूशन के जारी हो गए हैं। इस बार HPU जो है वो री इवेल्यूशन के रिजल्ट जल्दी जारी कर रही है, तो अभी फाइनल ईयर वालों के रिजल्ट जो है वो आ ही जाएंगे, तो आप लोग अपने ID और पासवर्ड के थ्रू जो है वो चेक करते रहें। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU PG के रिजल्ट से संबंधित रहेगा। तो अभी 2-3 दिन पहले जो है वो HPU ने PG में MSc डेटा साइंस का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है, और इसी के साथ HPU के जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उन्होंने बताया है कि जैसे UG के रिजल्ट इस बार जल्दी आ गए वैसे ही PG के रिजल्ट भी जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट मंथ तक जो है वो PG के रिजल्ट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, फिर थर्ड का, फिर सेकेंड का, और फिर फर्स्ट सेमेस्टर का। तो नेक्स्ट मंथ से आप लोग यहाँ पर होप लगा के चल सकते हो कि PG के रिजल्ट जो भी हैं रेगुलर प्राइवेट इकाड्योल या री अपेयर वाले स्टूडेंट उनके आने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर जो है वो आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म करूँगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहेगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो रिजल्ट हैं UG फर्स्ट और सेकेंड ईयर के वो कब तक जारी होंगे, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहूँ कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के UG फर्स्ट और सेकेंड ईयर के रिजल्ट हैं वो यहाँ पे सितंबर मंथ में जो है वो जारी हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे सेकेंड ईयर के रिजल्ट आएंगे और उसके बाद जो है वो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट यहाँ पे जारी होगा। बाकी इसके रिगार्डिंग जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा मैं ज़रूर जो है वो आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म करूँगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।